अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये स्टार्ट का क्लिप तब का है जो हम शॉपिंग करके आए थे। हम लोग 3 o'clock घर पे आए थे, हमने खाना खाया और अब हम जा रहे हैं जुबैल। हमने जो शॉपिंग की थी वो सामान हम वहाँ रख देंगे और हमें सारी घर की क्लीनिंग वगैरह भी करवानी थी, तो वो काम भी हो जाएगा, इसलिए हम जा रहे हैं। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. और बस इस रोड से हम लोग जुबैल की तरफ एंटर करते हैं। और मैंने घर पे क्या किया था, मैंने ऑरेंज जूस निकाल लिया था, मतलब एक बॉटल में ट्रांसफ़र कर लिया था ताकि रास्ते में हम पी लें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो आज हमारा सारा सामान शिफ्ट हो रहा है और सारा सामान चला भी गया है। अब हालात कुछ ऐसे होंगे, यहाँ पर भी सारा सामान जा चुका है। हाउस इज़ एम्प्टी नाउ। बाकी ये जो भी रफ़ वगैरह है ना, ये सब हस्बैंड शाम में आकर क्लीनिंग कर देंगे। और यहाँ पर भी कुछ बस शॉपर्स होंगे, बाकी यहाँ पर भी ये देखें, इतना अजीब लग रहा है क्योंकि एक आदत तो बन गई थी ना इस घर में रहने की, अब आवाज़ भी गूंज रही है। एंड नो मोर दीज व्यूज़, अब आगे नहीं मिलेंगे ऐसे। वहाँ पर विंडो है घर पे, पर ऐसी नहीं है मतलब कि बाहर से कुछ दिखा सकूं। बाकी ये क्लीनिंग के लिए ब्रश वो रखा हुआ है, और ये छोड़ के जाएंगे ना क्योंकि टूट गया था, अब ये हस्बैंड फेंक देंगे मतलब ना। मैं गाड़ी में आकर बैठ गई हूँ और यहाँ पर रात में तो फिर भी ठंडक रहेगी, पर दिन में धूप की तपिश बहुत है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। बाकी कुछ सामान, पिलोज, मेरे बैग्स वगैरह हैं और अब चलते हैं। हमने पता है नाश्ता भी नहीं किया क्योंकि एकदम ही अचानक ना वो सामान वाले आ गए, जो टाइमिंग थी उसके अगेंस्ट। तो बस हस्बैंड गए नाश्ता लेने के लिए वहाँ पर, पता नहीं आप लोग को दिख रहा है या नहीं दिख रहा, बट ऐसे ही हैगा। थोड़ा सैडनेस वाली फीलिंग का भी हैगा क्योंकि दमाम में आप बहुत, मतलब मैं ऐसे अगर परमानेंट नहीं भी रही पर काफ़ी टाइम मैंने यहाँ गुजारा है। तो उधर तो वहाँ पर हमें नाश्ता नहीं मिला, अब हस्बैंड यहाँ पर गए। असल में यहाँ पर टाइम हो रहा है 11 बजने वाला है, तो यहाँ पर तो 9 बजे के बाद ही नाश्ता नहीं मिलता, ख़त्म हो चुका होता है। तो बस ये ढूंढते फिर रहे कि कुछ खाने को मिल जाए, या फिर रोटी मिल रही है, अब रोटी खाने का बिल्कुल मूड नहीं हो रहा सुबह के उठे में। अब कुछ नाश्ता करना ही है तो बंदा सही से कुछ खा ले, तो बस ये अब अल्लाह करे हमें नाश्ता मिल जाए, क्योंकि वो करने के बाद फिर हम लोग जुबैल की तरफ जाएंगे। तो फिर वहाँ पर, क्योंकि सामान तो हमारा जाना हो मतलब निकल गया है कि ना, वहाँ पहुँचे फिर वहाँ जाकर भी सारा, कल भी बहुत थक गई थी। तो हम लोगों ने यही कार में बैठ के नाश्ता कर लिया और अब चलते हैं अपने सफ़र पे। और बस फिर हमारा सामान ना हमसे पहले ही पहुंच गया था, क्योंकि असल में हम लोग नाश्ता करने रुक गए थे, हमें आइडिया नहीं था कि जुबैल में नाश्ता कहाँ से मिलेगा, तो हमने सोचा कि नाश्ता करके ही चलते हैं। वैसे भी यहाँ पर ना 11 बजे के बाद, मतलब वो 8-9 बजे के बाद ना नाश्ता मिलता ही नहीं है, तो वैसे ही 11 बज गए थे, हमें एक शॉप से तो मिला नहीं, फिर दूसरी जगह गए, तो वो 15 मिनट्स का ना डिफरेंस आ गया था हमारे और उनके पहुँचने पर। तो बस फिर हम लोगों ने नेबर्स को कॉल कर दी थी कि आप लोग दरवाज़ा खोल दें, वो ऊपर सामान रखना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि सामान तो हमने वैसे भी ऊपर कुछ था नहीं तो वो रख देंगे इजीली। तो बस यहाँ पर हम लोग आए तो काफ़ी हमारा सामान ऊपर रख दिया था उन्होंने, बड़ी चीज़ें हमारी वैसे भी स्टोव और वॉशिंग मशीन, फ्रिज इस तरह की थी, और मैट्रेस, क्योंकि ज़्यादा फर्नीचर वगैरह तो था नहीं, बाकी छोटा छोटा सामान हमारा काफ़ी था। और रात सारी बहुत अच्छी से ना क्लीनिंग हो गई थी, तो बस हम लोग काम में लग गए थे जो भी सेट करना था। तो खाना खाया ही नहीं था, कुछ बनाया भी नहीं था, इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी, तो हमें कुछ सामान भी लेना था
तो फिर हम लोग बाहर आ गए और मैंने मैकडोनल्ड खाना था। यहाँ पर बहुत अच्छी ऑफ़र आई हुई है मैकडोनल्ड पे ना, पैरी पैरी बर्गर, और काफ़ी अच्छा है। जिनको स्पाइसी पसंद है ना, उनके लिए हद से बहुत अच्छा है। तो पहले मैं सोच रही थी कि मैं हंगर स्टेशन एक ऐप है यहाँ पर, जैसे पाकिस्तान में फूड पांडा है, कि उसके थ्रू मैं ऑर्डर करूँ, बट डिलीवरी चार्जेस बहुत ज़्यादा आ रहे थे और उससे ज़्यादा टाइम लग रहा था। वैसे ही मुझे 3:30 हो गए थे और उसके बाद भी 45 मिनट्स का वेट था। तो मैंने कहा बस अब ऐसा करते हैं, चलते हैं। और ये भी कहने लगे चलो जो सामान लेना है वो भी ले लोगी और वहीं से जाकर जो है ना लेकर खा लेना, तो ये इजी था। Storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah. Where is Perry Bites? Huh? Where is Perry Bites? Which one? Perry Bites. Here and there. In it? Perry Bites. Yes, inside. Under, under. Okay. तो बस यहाँ पर मैं लेकर आ गई थी एक पैरी बाइट्स ना, न्यू आए हुए, तो मैंने सोचा कि वो भी ट्राई कर लेती हूँ। अच्छा, हंगर स्टेशन पे मैं जब ऑर्डर दे रही थी तो उसमें 10 रियाल के दिखा रहे थे और यहाँ पर मैं आई तो मुझे 8 रियाल के मिल रहे थे। ये बहुत ज़्यादा होता है, इनकी ना चलाकियाँ चल रही होती हैं। तो बहरहाल मुझे काफ़ी भूख लग रही थी, मैंने उसी में कार में बैठ के ही खा लिया था। और फिर हम आ गए थे यहाँ पर 5 रियाल शॉप, क्योंकि मुझे कुछ छोटी छोटी क्लीनिंग के लिए, सफाई के लिए ना चीज़ें चाहिए थी जो हमें यहीं पर मिल सकती हैं। तो बस फिर मैंने सोचा यहीं से सारा सामान लेते हुए फिर घर चलते हैं, क्योंकि अब सारा घर सेट भी करना है और काफ़ी काम भी करने हैं और आना जाना भी आसान नहीं होता। और मैं इतना कोई थक गई थी कि मेरी बुरी हालत हो रही थी कि बस लेट जाऊं मैं जाते ही। और निकलते टाइम ना मुझे अपने मोबाइल का जेली कवर मिल गया था, तो बस मैंने वो भी जल्दी से पिक कर लिया ताकि मुझे एक नया कवर मिल जाए, वरना वो जो येलो हो जाते हैं ना वो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छे लगते। और जिस दिन हम लोग यहाँ आए थे ना, उस दिन मुझे बड़ा दुख हो रहा था। मैं मामा को भी कह रही थी कि दमाम छोड़ के आए, इतना टाइम में रहती रही हूँ। तो बस बहरहाल न्यू चेंजेस फॉर मी, एंड यहाँ पर व्लॉग करूँगी। एंड अल्लाह हाफिज़, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़।